नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। भारत के घरेलू मामलों में हर समय टांग अड़ाने वाला पाकिस्तान इस समय भयंकर आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। आप जानना चाहेंगे कितनी आर्थिक तंगी है उसको। तो दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने ये कहा है कि चाय पीना कम कर दो और खर्चा जो है संभालो, क्योंकि ये संभले से संभल नहीं रहा है। ये सलाह लोगों की सेहत के लिए नहीं है कि चाय पियेंगे तो उनको एसिडिटी हो जाएगी या उनको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या उनके बॉडी का कोई ऑर्गन जो है इफेक्टेड हो जाएगा, बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर के ये उनसे अपील की गई है, ये उनको सलाह दी गई है। पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब है। पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल ने एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है इस समय, उनका बयान जिसमें वो लोगों से एक दो कप चाय पीने के लिए अपील कर रहे हैं ताकि देश का इंपोर्ट बिल जो है वो बैलेंस हो सके, कम हो सके। उन्होंने एग्जैक्टली अपील में क्या कहा है मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं देश के लोगों से अपील करता हूँ कि हम चाय की एक एक प्याली या दो दो प्यालियाँ कम कर दें, क्योंकि हम जो चाय आयात कर रहे हैं वो हम पे उधार इंपोर्ट हो रहा है। और एग्जैक्टली उन्होंने जो ट्विटर किया है, ट्वीट पे जो उनके ट्विटर हैंडल से जो कहा गया है वो ये है कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वांट सिटीजन टू कट डाउन द कंजम्पशन ऑफ चाय, ब्रैकेट में फिर उन्होंने इसको टी बोला है, बिकॉज दैट टू इज इम्पॉर्टेंट। मिनिस्टर एहसान इकबाल इज हर्ट रिक्वेस्टिंग टू द पीपल थ्रू द मीडिया। ये उन्होंने 14 तारीख को एक अपील करी ट्विटर के जरिए, और एहसान इकबाल ने मीडिया को बातचीत के दौरान ये कहा भी है कि अब तक का ये सबसे मुश्किल टाइम है उनके लिए। और अगर एक रिपोर्ट देखे बीबीसी के तो उसके अनुसार पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 2 महीने का बचा है, ये लगातार गिर रहा है, इसलिए उस पर तात्कालिक रूप से विदेशी फंड बढ़ाने का दबाव बना हुआ है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे अधिक चाय आयात करता है। पाकिस्तान हर साल 46 अरब और 83 करोड़ रुपए की चाय बाहर से खरीदता है। फरवरी में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 16 अरब डॉलर था, जो जून के हफ्ते में घट करके 10 अरब डॉलर तक रह गया। ऐसे में विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार काफ़ी मशक्कत कर रही है, यूँ कहिए कि गरीबी से जूझ रही है। अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने पिछले महीने 41 सामानों के आयात पर 2 महीने के लिए बैन भी लगाया है, और बिजली की कटौती के लिए भी लोगों से अपील की जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने व्यापारियों से ये अपील की है कि वे देश को आर्थिक संकट से निकालने में सरकार की मदद करें। उन्होंने व्यापारियों को रात 8:30 बजे के बाद बाजार बंद करने का सुझाव दिया है ताकि बिजली बचाई जा सके। बिजली बचाने के लिए पिछले हफ्ते ही शहबाज शरीफ सरकार ने सरकारी दफ्तरों में 5 दिन का काम करने का भी एक नियम बनाया है। साथ ही इस्लामाबाद में 10:00 बजे के बाद शादी पार्टियों पर पाबंदी लगा दी है, और इसके अलावा पाकिस्तान में मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को दिए जाने वाले आधिकारिक ईंधन भत्ते में भी 40% की कटौती की मंजूरी की गई है। चाय को लेकर के पाकिस्तान के मंत्री के बयान पे काफ़ी चर्चा हो रही है, और ये चर्चा केवल देश दुनिया में ही नहीं हो रही है। पाकिस्तान के जियो न्यूज़ चैनल पर एक चर्चा होती है, उसमें एक पैनलिस्ट ये सवाल उठाता है, उसने एग्जैक्टली क्या सवाल उठाया ये मैं आपको बताती हूँ। एक रोटी कम कर देनी चाहिए, एक प्याली चाय कम कर देनी चाहिए, ऐसे में ऐसे बयान पे उन्हें हैरानी होती है, आप सिर्फ लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, आवाम के पास चाय पीने के अलावा रह क्या गया है, खाना खाने की स्थिति में वो नहीं रहे हैं। जो लोग 2-3 वक्त का खाना खाते थे वो 1 वक्त का खाना खा रहे हैं, अब आप उनसे चाय की प्याली भी छीनना चाहते हैं। नेताओं को अपने खर्चे कम करने के बारे में सोचना चाहिए। सोशल मीडिया पर कई लोग मंत्री के इस बयान की आलोचना कर रहे हैं, कई लोग मीम के जरिए सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं, और इमरान खान के सत्ता से जाने के बाद अप्रैल
2022 में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की कमान संभाली थी और तुरंत शपथ के बाद उन्होंने इमरान खान पे अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन का आरोप लगाया था। ये भी कहा था कि इससे पटरी पे लाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी उनके सामने। तो ये जो मैंने आपसे जानकारी साझा की है, आप देखिए किस तरीके से हमारे देश की छोटी से छोटी कोई भी बात होती है, लाइक ये जो जुमे के नमाज के बाद जो हादसे हुए हैं उनको ही लीजिए ताज़ा घटनाक्रम में, तो उस पर भी उसका एक पूरा तंत्र यहाँ पे अशांति फैलाने के लिए जुटा हुआ है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके अपने देश में क्या हो रहा है। खाने के लिए उन्हें रोटी नसीब नहीं है, लेकिन वो अपने आस पड़ोस के लोगों से बजाय बना के रखने के वो उल्टे सीधे बयान देते हैं अपने पड़ोसी देशों के बारे में, खासतौर पे भारत के साथ। तो दोस्तों, इसको आप क्या कहेंगे? मैं चाहूँगी कि आप अपना कमेंट मुझे ज़रूर करें, मैं अपने कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई हो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, गर्मी बहुत पड़ रही है, अपना बचाव रखिए, और जो आपके आसपास पशु पक्षी हैं उनका भी ध्यान रखिए, उन्हें भी आप पानी पिलाइए ताकि वो प्यासे किसी प्रॉब्लम में ना जाए प्यासे रह करके। फिर मिलती हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।